नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे एशिया के या फिर अफ्रीका के जो सपेरे होते हैं वे सांप को कैसे काबू कर लेते हैं या सम्मोहित करते हैं या फिर उसको कैदी बनाकर रखते हैं। तो वे शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो ही किसी सांप को प्राकृतिक आवास में से पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसके जो जहरीले दांत होते हैं जिनको हम फैंग्स बोलते हैं उनको जड़ से उखाड़ देते हैं। अगला काम क्या करते हैं दोस्तों कि जो सांप की जो जहर वाली ग्रंथि होती है, ग्लैंड होते हैं जो दो होते हैं, आँख और होठ के बीच में ग्रंथि होती है जो कि उसके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जिनमें से विनम निकलता है, उसको ब्लेड से या तो मुंह के रास्ते से या फिर जो खोपड़ी के रास्ते से एक हल्की सी ब्लेड मार के उन दोनों ही ग्रंथियों को उखाड़ देते हैं। अब इसके बाद भी जब सपेरों का भय कम नहीं होता है तो दोस्तों वे ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि सांप जिस रंग का है उसी रंग के धागे लेकर के उस सांप का मुंह सील देते हैं। और क्या करते हैं कि दोस्तों सांप को जीवित रखने के लिए जहाँ से वो जीभ निकालता रहता है उसमें एक छोटा सा रास्ता छोड़ देते हैं ताकि सांप मुंह खोलेगा नहीं, लेकिन उस रास्ते से वे एक प्लास्टिक की पाइप लगा करके या फिर हड्डी का पाइप नुमा एक औजार उसके मुंह में डाल के उसको मुर्गी या किसी भी अंडे का लिक्विड डाल के उसको जीवित रखते हैं। अब अगली कार्रवाई सपेरे क्या करते हैं दोस्तों कि सांप को हमेशा कम से कम खाना और पीना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांप कमज़ोर कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है और उसकी मांसपेशियों में या फिर उसकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है कि वे अपनी जहर की ग्रंथियों को दोबारा बना पाएं। इसीलिए अगर आप एक सपेरे का सांप, जैसे कि वो ज़्यादातर कोबरा रखते हैं, वो जब अपना फन फैलाकर खड़ा होता है तो उसका कंपैरिजन एक प्राकृतिक आवास में मिले हुए कोबरा के फन से अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि जो सपेरे वाला सांप है उसकी आँख और उसके होठों के बीच में एक खाली स्थान, उसकी खोपड़ी पिचकी हुई होती है, जबकि जो प्राकृतिक आवास का जो कोबरा है वो जो जगह है जहाँ से हम मिल्किंग करके कई बार उसका विनम भी निकालते हैं वो गोल गोल एकदम प्राकृतिक रूप से अच्छा और साफ सुथरा मिलता है। इसीलिए दोस्तों जहाँ प्राकृतिक आवास में एक सांप 10 साल से लेकर 30 साल तक जीवित रहना था, वहीं एक सपेरे की कैद में एक सांप मुश्किल से 2 या 3 महीने जीवित रहता है और आखिर में उसके मुंह के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसकी खोपड़ी में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसके पेट में या छाती में गंभीर इन्फेक्शन की वजह से सांप की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं सांप की खोपड़ी में मिलने वाली जहर मणि या जो सांप की जो मणि बोला जाता है उसका रहस्य क्या है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि कुछ लोग जिनको कि सपेरे बोला जाता है वे उसकी खोपड़ी वाली जो चमड़ी को, जो कि मछली जैसी स्किन होती है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम ब्लेड मारेंगे या फिर कोई भी चीरा काटा देंगे तो वो किसी को दिखाई जल्दी से नहीं देता है, इसलिए वो ब्लेड से क्या करते हैं कि एक जगह बना देते हैं उसकी चमड़े और मांसपेशियों के बीच में और वहाँ पर कोई भी कांच की बनी हुई एक मणि रख देते हैं और वे हो सकता है कि 10 लोगों को या 20 लोगों को वही मणि उसके सामने ब्लेड से निकाल के उसको देते रहते हैं और उन लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब अगली बात यह है कि सांप को दूध पिलाया जाता है कई बार एक्स्ट्रा नुमा या फिर पाइप नुमा एक औजार लगा के, या फिर कभी कभी सांप के सामने कटोरी रख देते हैं जिसमें सांप उसको चाटता रहता है, क्योंकि सांप को पहले इस तरह का कोई नाग पंचमी या फिर कोई त्यौहार आता है जिसमें सपेरे घर घर घूमते हैं तो वे सांप को पहले 3 दिन 4 दिन पहले ही उसको भूखा रखना शुरू कर देते हैं ताकि उसके सामने जो भी कुछ रखे कोई भी इंसान उसको वो चाटना शुरू कर दे। और कुछ सपेरे ये भी करते हैं कि पाइप के द्वारा सांप के मुँह के अंदर जो दूध भर देते हैं कटोरी से या फिर चम्मच से, उसके बाद ये होता है कि दोस्तों सांप उस दूध को अंदर नहीं ले रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि सांप को खींच के उसकी जो खाने वाली नलकी को खींच के नीचे की तरफ वो सांप के अंदर दूध धकेल देते हैं ज़बरदस्ती, जबकि सांप के पेट के अंदर दूध को हजम करने की कोई ताकत नहीं होती है और सांप के पेट में गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है। चूंकि सांप एक मांसाहारी जीव होता है, वो या तो मेंढक खाता है या फिर छोटी मछली या फिर एक चूहा या फिर जो पक्षियों के अंडे होते हैं उसी को अपना आहार बना सकता है और हजम कर सकता है। अब ये भी सुनिए दोस्तों कि सपेरों के पास जहर के कांटे का कोई इलाज नहीं होता है, उनको भी अगर कोई नया सांप जो पकड़ते हैं उस दौरान कोई काट लेता है
तो उनकी भी मौत हो जाती है। इसलिए अगर आपको भी सांप काटे तो प्राथमिक चिकित्सा देते हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाइए। अब बात करते हैं कि सांप सपेरे की जो बीन बजती है तो उसको फॉलो कैसे करता है हिल हिल के। तो दोस्तों, जो सपेरे की बीन होती है वो गोल आकृति एकदम खोपड़ी की तरह गोल गोल बनाई जाती है और उसके सामने वो बहुत सारे जो कांच के या चमकते हुए सिक्के उसके सामने चिपका देते हैं और सांप को कंफ्यूज कर देते हैं कि कोई खोपड़ी नुमा जीव है आपके सामने जिसकी कई सारी आंखें। इसलिए सांप डरते हुए उसकी जो बीन को फॉलो कर रहा होता है। अब बात आती है उसके फन के बारे में। जो फन होता है दोस्तों, वो छाती का हिस्सा होता है सांप की, जिसके अंदर पसलियां चारों तरफ फैल जाती हैं और पसलियों के साथ कुछ मांसपेशियां और उसके जो चमड़े का जो हिस्सा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, जिसको कि हम फन बोलते हैं। अब अगली जानकारी उसकी जीभ के बारे में कि वो जीभ बार बार क्यों निकालता है। तो दोस्तों, जो सांप की जो नाक होती है वो सिर्फ उसको सांस लेने के काम आती है और सूंघने के लिए उसकी जो जीभ होती है वही काम करती है कि सामने कोई जीव जंतु है या कोई जीवित अवस्था में है या मृत अवस्था में है या फिर कोई नॉन लिविंग सामने कोई ऑब्जेक्ट है। तो वो जीभ की मदद से क्या करता है दोस्तों, बाहर के केमिकल उसके जीभ के हवा में जो केमिकल तैर रहे होते हैं वो जीभ पर लग जाते हैं और सांप जीभ को अपने मुंह में घुसा के अपने मुंह के जो ऊपर वाले हिस्से में टच करता है, जहां पर जैकोब्सन नाम का एक अंग होता है, उसको टच करते ही उसको सेंसेशन, उसको पता लग जाता है कि बाहर कौन सा जीव है। दोस्तों, सांप के कोई भी कान नहीं होते हैं, वो कोई भी म्यूजिक ढंग से नहीं सुन पाता है। हालांकि जो जमीन के ऊपर जो वाइब्रेशन होती हैं किसी के चलने फिरने या दौड़ने से, तो उसको तो वो महसूस कर लेता है। अब दोस्तों, फन से सांप के जहर का कोई लेना देना नहीं है। बिना फन वाले सांप के अंदर भी जहर हो सकता है और फन वाले सांप के अंदर भी जहर हो सकता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें जिस सांप के काटने से होती हैं वो होता है वाइपर प्रजाति का, और जिसका कि कोई फन नहीं होता। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमारी स्पेरों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वे हमारी संस्कृति का हजारों सालों से अभिन्न हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और हमारे जो पुराने राजे महाराज थे या फिर हमारी सरकारें थी, वे सपेरों को बहुत प्रमोट करती थी, चाहे मनोरंजन के लिए चाहे टूरिज्म के लिए। तो मेरी उन लोगों से यही विनती है कि वे अपना जो भी कारोबार है वो इन जहरीले जीवों को से हटा करके मनोरंजन पे, म्यूजिक पे या टूरिज्म की तरफ अपना ध्यान लगाएं, वहीं पर अपना कारोबार करें। चूंकि सांप एक जहरीला जीव है, जंगली जीव है, तो सपेरों को न तो सांप पकड़ने चाहिए क्योंकि उसे सांप का भी नुकसान होता है और सपेरों को भी अपनी जान का भी नुकसान कई बार उठाना पड़ता है। अब लेकिन लगभग पूरे संसार में सपेरों के ऊपर बैन लग चुका है क्योंकि ये इसको क्रुएलिटी माना जाता है किसी भी जंगली जीव के ऊपर। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।